ये वो जगह है जहां पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की इतवार की रात को हलाकत हुई। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि डिटेक्टिव या कीनिया की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के होमिसाइड डिपार्टमेंट की टीम इतवार की रात को तकरीबन 10 बजे होने वाले इस वाकये की तफ्तीश कर रही है। ये किजाडो वेस्ट का इलाका है जो कीनिया के दारुलहुकूमत नैरोबी से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब में वाकई है। इस इलाके में ज्यादातर रेगिस्तान और जंगली झाड़ियां हैं और बहुत ही कम आबादी है। कभी कभार मिसाई कम्युनिटी के लोग अपने मवेशियों के लिए घास और पानी की तलाश में यहां से गुजरते नजर आते हैं। अभी तक ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सफर कर रहे थे वो पुलिस चेक प्वाइंट पर नहीं रुकी थी। इस चेक प्वाइंट पर पुलिस नैरोबी में एक अगवा की रिपोर्ट की वजह से मौजूद थी और उसमें मुलव्वज़ गाड़ी की तलाश में थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब अरशद शरीफ की गाड़ी को रुकने का हुक्म दिया तो उनकी गाड़ी नहीं रुकी जिस पर पुलिस ने उन पर फायरिंग की।